इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर दोस्तों किसान से जुड़े मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला क्या है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर आप भी परिवर्तन की बयार बहते हुए देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों कर्ज तले दबे किसान ने लौटाए प्रधान मंत्री सम्मान निधि के मिले 2000 रुपए, सीएम योगी से मांगी है इच्छा मृत्यु। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर दी है, जिसके तहत किसानों को 2000 रुपए की रकम देने की बात की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अंदर एक किसान ने केवल पहले इंस्टॉलमेंट में मिली 2000 रुपए की रकम को वापिस कर दिया, बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आलू के किसान ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है, पीएम सम्मान निधि के पैसे भी लौटा दिए हैं। किसान ने लौटाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई सम्मान निधि योजना के तहत दिए गए 2000 रुपए। 39 साल से प्रदीप शर्मा ने बताया कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को 2000 रुपए भेज दिए हैं, अगर मुख्यमंत्री उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दे। आलू के किसान ने कहा कि उन पर 35 लाख रुपए का कर्ज है। शर्मा ने बताया कि उनका परिवार एक छोटे किराए के मकान पर रहता है। ऐसे में दोस्तों देश के किसानों की खराब हालत का ये एक बड़ा नमूना हो सकता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ी मांग करता हुआ एक किसान नजर आया है। और दोस्तों पूरी तरह से युवाओं का रोजगार के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि किसानों के मुद्दे पर अभी कुछ नहीं हो पाया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों लोकसभा चुनाव के अंदर चौकीदार चोर क्यों है पूछा तो युवक को धुन डाला, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा है। दरअसल दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव के माहौल जैसे जैसे चरम पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा गर्मी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली के अंदर चौकीदार चोर है के नारे लगाए गए, और इस पर जब एक शख्स ने कोई सवाल पूछा है तो उस पर भी जमकर धुनाई की गई है। दरअसल दोस्तों युवक ने मीडिया से बातचीत करते हुए रोते रोते पूरी घटना बयां की है, और पूरी तरह से चौकीदार चोर है और चौकीदार प्योर है के नारे के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर राहुल गांधी को खत लिख दिया है और कहा है कि ना करे गठबंधन पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। शीला दीक्षित के द्वारा पिछले सप्ताह राहुल गांधी को लिखे पत्र के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ, देवेंद्र यादव और राजेश ललोटिया ने गठबंधन पर कार्यकर्ताओं के मूड जानने के लिए फोन सर्वेक्षण का विरोध किया है। लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन को लेकर समय बीत चुका है, वहीं पर कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि पार्टी अभी गठबंधन पर विचार कर रही है। एक और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, वहीं पर चुनावी अभियान भी शुरू कर चुकी है। वहीं अभी अखबार के आई एक खबर के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने 3 कार्यकारी अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, गठबंधन होने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान दिल्ली में हो सकता है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों वकीलों ने डीएम को पत्र लिखा और कहा है कि प्रियंका गांधी को काशी विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए। प्रियंका गांधी को सोमवार को यूपी में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, इस दौरान वो 2019 का चुनाव एक कड़ी चुनौती बताती हुई नजर आती हैं। इससे पहले उन्होंने तय किया है कि वह नफरत और फरेब की राजनीति चाहती नहीं है और विकास की राजनीति को आगे करना चाहती है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। वकीलों के एक समूह ने सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक पत्र सौंपा है, उन्होंने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा को काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश न दिए जाने की मांग की है। ऐसे में पत्र में दावा किया गया है कि प्रियंका गांधी ईसाई है और सनातन हिंदू धर्म के प्राचीन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मंदिर प्रवेश में रोका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए पत्र में लिखा गया है कि उनकी पूजा की जगह चर्च है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। हम आपको बताएं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों देश में 5 साल सिर्फ जुमलेबाजी हुई है प्रियंका गांधी का सीधा बड़ा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस महासचिव ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने सोमवार शाम कालीनगर भदोही के धार्मिक स्थल पर सीतामढ़ी पहुंची हैं, जहां पर 10 मिनट के चुनावी संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि निर्बल सरकार है, लोगों की आवाज दबाती है, इसमें आलोचना सहने की ताकत नहीं है, सरकार ने नौजवानों के लिए कुछ भी काम नहीं किया है, देश में सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। प्रियंका गांधी ने साथ ही साथ बीजेपी से कांग्रेस में आई दलित
नेता सावित्रीबाई फुले ने भी वोट मांगा है। और हम आपको बता दें कि दो महिला दिग्गज नेताओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताने का मोर्चा संभाल रखा है और जनता के बीच में जाती हुई नजर आ रही है। एक और बेहद बड़ी खबर जहां पर दोस्तों पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार के जवाब में बेरोजगार हुए हार्दिक पटेल और बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से हार्दिक पटेल ने शामिल होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, उसी तरह से प्रियंका गांधी भी लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी प्रचार कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेताओं के अलावा समर्थकों ने भी इस कैंपेन का समर्थन किया है। वहीं पर कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने इसका जवाब देते हुए अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा दिया है। हार्दिक पटेल ने इस नाम के जरिए बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। ट्विटर यूजर्स के बीच में हार्दिक पटेल ने मुहिम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। मैं भी बेरोजगार कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हुए हार्दिक पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो लड़ाई है वो पूरी तरह से निर्णायक हो जाएगी और हार्दिक पटेल के पास बड़े स्तर पर अपने समुदाय का वोट है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा। एक और बेहद बड़ी खबर जहां पर दोस्तों राज्यपाल ने लोकतंत्र की हत्या की है, राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाए, कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर बड़ी मांग कर दी है। दरअसल दोस्तों गोवा में जिस तरह से प्रमोद सावंत प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद कांग्रेस ने राज्यपाल पर लोकतंत्र की हत्या का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम किया है, एक राज्यपाल की तरह निष्पक्ष काम नहीं किया है। यानी दोस्तों अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताते हुए राज्यपाल को नजर आई है कांग्रेस पार्टी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। दोस्तों एक एक करके हमने आपको सभी खबरों से अपडेट कराई है, जहां पर पहली और बड़ी खबर में हमने देखा कि किस तरह से एक किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तों 2 साल यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं योगी आदित्यनाथ। कहा है 73 अपराधी हुए हैं ढेर, और योगी आदित्यनाथ का यह बयान कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह की चीजें आगे आकर नजर आने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों बिहार में हो सकता है सीटों का ऐलान जल्द ही फैसला हो जाएगा। राजद कांग्रेस हम और आरएसपी के बीच में बीते दिनों सीटों के बंटवारे का मंथन चल रहा है। खबर है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में 11 सीटों पर अड़ी हुई है, वहीं पर उसके साथ ही उसको 10 सीटें देना चाहते हैं। दूसरी ओर एनडीए ने अपनी सीटों का बंटवारा कर दिया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट भी लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है। इसके साथ ही दोस्तों पीस पार्टी के साथ शिवपाल यादव का भी गठबंधन हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान फेक न्यूज पर रोकथाम को लेकर आज चुनाव आयोग ट्विटर, फेसबुक, गूगल समेत कई सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक करेगी। वहीं पर 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। इसके बाद बैठक में कई सत्रों में चलेगा। गौरतलब है कि चुनाव के अंदर रणनीतिक दलों के द्वारा सोशल मीडिया पर जोरदार कैंपेन चलाया जा रहा है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर कुछ नियम जारी किए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी अपनी रैली करते हुए नजर आएंगे और राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का अरुणाचल में भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया था। एक और बेहद बड़ी खबर जहां पर दोस्तों मिशन 2019 को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का दम लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार देश भर में रैलियों का दौर कर रहे हैं और वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर के ईटानगर में अपनी रैली संबोधित करनी शुरू कर दी है और लगातार कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के सभी राज्यों में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रही है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तों मोदी सरकार की तुलना में मनमोहन की सरकार का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में 31 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी को 7 सीटें मिली है, जबकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सरकार में 19 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 6 पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस तरह से मोदी सरकार का सक्सेस रेट 22% रहा है और मनमोहन सिंह का सक्सेस रेट 31% रहा है। मोदी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी एक नई सीट जीत सकी नहीं है और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। यहां पर हरियाणा के जिंद लोकसभा चुनाव के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट जीतने में सफल हो पाई है, बाकी जितने भी उपचुनाव हुए हैं वहां पर या तो बीजेपी जीती है या फिर अपनी ही सीट उसको हारना पड़ा है। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर हमने आपको एक एक करके पल पल की अपडेट के तहत इन सभी खबरों से रूबरू करा दी है। दोस्तों इन सभी खबरों से जुड़ी हुई सारी अपडेट हम लगातार आप तक लेकर आए हैं। इन सभी खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक एक पल पल की अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। पहली बड़ी खबर में हमने देखा कि किस तरह से किसान ने पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ से इच्छा मृत्यु की मांग की है और किसान की बदहाली को लेकर यह बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर योगी आदित्यनाथ को 2,000 रुपए वापस कर दिए हैं किसान ने और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाती हुई किसान के द्वारा नजर आ रही है। दोस्तों इसके साथ ही हमने देखा किस तरह से गोवा के अंदर बड़ा आरोप लगाती हुई कांग्रेस पार्टी राज्यपाल पर नजर आई है और इसके
साथ ही राज्यपाल पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंट होने का भी बड़ा आरोप लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नजर आई है। इसके साथ ही शीला दीक्षित ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। एक एक करके दोस्तों हमने आपको सभी खबरों से अपडेट कराया है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। जुड़े रहने के लिए दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।